प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज चंडीगढ़ के निकट मुल्लानपुर में सुपर स्पेशलिटी कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। टाटा मेमोरियल अस्पताल की तर्ज पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इस अस्पताल को बनाएगा और विकसित करेगा। समूचे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। हालांकि दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में कोहरे से राहत मिली। भारतीय रिजर्व बैंक ने भरोसा दिया कि अर्थव्यवस्था अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले महीने से बॉन्ड खरीद कार्यक्रम में कटौती की प्रक्रिया शुरू करने से पैदा होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। हिंदी व बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन की हालत गंभीर। सांस लेने में परेशानी की वजह से उन्हें आईसीयू में कराया गया भर्ती। सेंसेक्स 101 अंक के सुधार के साथ 21,294 पर खुला। निफ्टी भी 18 अंक मजबूत होकर 6,332 पर खुला। आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 62.02 रुपए प्रति डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 31 पैसे के सुधार के साथ 61.85 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दक्षिण रूस के वोल्गोग्राद शहर में आज हुआ एक और धमाका। ट्रॉली बस में हुए इस हमले में 10 लोगों की मौत होने की खबर। कल इसी शहर में रेलवे स्टेशन पर एक महिला आत्मघाती द्वारा किए गए हमले में लगभग 18 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशार अल असद समर्थक सेना ने होम्स प्रांत पर हमला करके कम से कम 20 विद्रोहियों को मार गिराया। सेना की ओर से हाल ही के दिनों में हमला किया गया है तेज। होम्स के अल हमदिया जिले पर भी हमला करके विद्रोही गुटों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में विपक्ष के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा की ताजा झड़प में 2 लोगों की मौत। सुरक्षा बलों ने सरकारी कार्यालयों पर कब्जा करने से बीएनपी कार्यकर्ताओं की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। दक्षिण सूडान में विद्रोही नेता के समर्थन में हथियारों और डंडों से लैस हजारों नौजवानों के प्रदर्शन से बोर शहर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान में इन हालातों पर चिंता जताई। आज विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि। एक स्वप्नद्रष्टा भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने न सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के विरासत को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया।